वे युवा जो अपराध के दलदल में फंस गए हैं, उन सभी को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए और अपराध खत्म करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत अपराधियों को समझाइश दी और अपराधियों की परेड लगाई। सिंगरौली में कोतवाली बैढ़न में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। यहाँ परेड तो हो रही थी, मगर वो परेड पुलिस नहीं कर रही थी, अपराधी परेड करते दिखे। जिले के पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन शिकंजा के तहत कोतवाली पुलिस ने 2 दर्जन के लगभग अपराधियों की परेड लेते हुए समझाइश दी कि थाना प्रभारी अरुण पांडे ने अपराधियों से कहा कि आप लोग अपने आचरण में सुधार लाएं और अपराधियों से दूर होकर अपने परिवार के साथ बेहतर जिंदगी जीने का कसम खाएं। कोतवाली निरीक्षक अरुण कुमार पांडे ने संपत्ति संबंधी अपराधों पर नकेल कसने के लिए करीब 2 दर्जन निगरानी बदमाशों को तलब कर उनकी क्लास ली। निगरानी बदमाशों की प्रत्येक गतिविधि की जानकारी हासिल की गई, उनकी निगरानी फाइलें अपडेट की गई, साथ ही बदमाशों को हर हाल में अपराध से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई। उक्त परेड में करीब 2 दर्जन लगभग निगरानी बदमाशों को कोतवाली में बुलाकर उनकी परेड ली गई थी। इस परेड में निगरानी बदमाशों को अपने आचरण में सुधार लाने तथा अपराध से दूर रहने की भी सख्त हिदायत दी गई है, साथ ही जीवन में अच्छे आचरण अपना कर सम्मान जीवन जीने की समझाइश भी दी। निगरानी बदमाशों के आय व्यय के स्रोतों की जानकारी ली गई, साथ ही इनके डाटाबेस अपडेट किए गए। उक्त परेड में थाना बैढ़न के संबंधित बीट के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।